शांति के पक्ष में है, वहाँ शांति हो, लोगों को न्याय मिले, और न्याय मिलना ज़रूरी है। ये पूरा का पूरा प्रशासन और सरकार का कराया हुआ झगड़ा है। अन्याय अगर किसी ने किया तो सरकार और प्रशासन ने मिलकर किया है। वहाँ के लोगों का न्याय मिले, शांति हो, और शांति बीजेपी कभी पसंद नहीं कर सकता। जब एक एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जब तो आप क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं, क्यों इस तरह का काम जानबूझ के कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल जाना था। हम सब लोग शांति के पक्ष में हैं, वहाँ शांति हो, लोगों को न्याय मिले, और न्याय मिलना ज़रूरी है। लोग और जो प्रशासन बातें समय समय पे कह रहा है, वो सरकार के सहारे पे कह रहा है। जिसने इतना प्रतिबंध लगाया, ये प्रतिबंध और इतनी तैयारी फोर्स की अगर पहले होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। लोगों को न्याय का भरोसा दिलाना इस सरकार की जिम्मेदारी है। न्याय और लोगों को न्याय मिलेगा, इसके लिए प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी बड़ी बनती है। लेकिन जो कुछ संभल में हुआ है, पहले दिन जब सर्वे हुआ, किसी को आपत्ति नहीं थी, सभी लोगों ने मिलकर के सर्वे कराया। आखिरकार दोबारा सर्वे क्यों करने का मन बनाया प्रशासन ने, दोबारा बनाया, और जब जा रहा था सर्वे की टीम में तो बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों गए? ये पूरा का पूरा प्रशासन और सरकार का कराया हुआ झगड़ा है। अन्याय अगर किसी ने किया तो सरकार और प्रशासन ने मिलकर किया है। उन्हें न्याय मिले, वहाँ के लोगों का न्याय मिले, शांति हो, और शांति बीजेपी कभी पसंद नहीं कर सकती। शांति होगी तो विकास और खुशहाली होगी, लोग खुशहाली और आगे बढ़ने का सोचेंगे। लेकिन बीजेपी जानबूझ करके कह रहे हैं डेलीगेशन नहीं जाने दिया, और कब तक? अंतोगत्वा डेलीगेशन या लोगों को मिलने तो आप देंगे ना, कब तक? आप ये भी कोशिश करते हो कि पूरे संभल में टीन लगा दो। याद कीजिए, यार लखनऊ में टीन लगाई थी, क्या संभल में भी टीन लगा देंगे? हर जगह थे ये प्रशासन जानबूझ करके ध्यान हटाना चाहता है। जिस तरीके से उन्होंने चुनाव में बेईमानी की, आप में से जितने लोग हैं, हम और आप किसी दबाव में कुछ कह सकते हैं, लेकिन जो आपके मोबाइल ने वीडियोस बनाए हैं, आपके कैमरे में जो बातें दर्ज हो गई हैं या कैमरे ने जो रिकॉर्ड की हैं, वो तो नहीं झूठ बोलेंगे ना। किस तरीके से बेईमानी की, पूरा का पूरा वोट लूट लिया, लोगों को वोट नहीं डालने दिया। यही तो बात हम लोग कहते आए हैं कि बीजेपी की सरकार संविधान से नहीं चलना चाहती है, अपने मन विधान से चल रही है। और जब एक एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जब तो आप क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं, क्यों इस तरह का काम जानबूझ के कर रहे हैं? आपकी जो मुख्य पार्टी है, मुख्य विचारधारा है, उसके लोग भी यही कहते हैं कि ये जरूरी नहीं कि हर जगह आप खो दें। अखिलेश जी, संभल के उपद्रवियों को शहीद बताया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो ये भाषा किसकी है, इस भाषा का कोई स्वीकार नहीं करेगा लोकतंत्र में। अखिलेश जी, जो ये पूरा सब कुछ कराया हुआ प्रशासन का है। ग्यारह तारीख को बुला लें कमिश्नर साहब, तो इसका मतलब अगर आप कमिश्नर ही सरकार चला रहे हैं, इसका मतलब तो 11 तारीख को बुला लें। अच्छा, अगर 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 उनको ये लगता है कि इस तारीख तक आना ठीक नहीं है, आप जो पीड़ित हैं उन पर दबाव क्यों बना रहे हो? वो तो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कम से कम इस बात को ऑब्जर्व करेगा कि कैसा दबाव बनाया जा रहा है। अजमेर की अजमेर वाली सरकार को लेकर क्या कहना चाहिए? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बाद इस तरह की बात उठाना, भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके इस तरह का माहौल बना रही है। जितने भी लोग हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग हैं। इस देश में शांति हो, शांति होगी तभी विकास होगा, तभी खुशहाली आएगी, तभी लोगों का जीवन बदलेगा, और बीजेपी कभी भी शांति नहीं चाहती। समाजवादी पार्टी आवाज उठा रही है उनके खिलाफ जो उत्तर प्रदेश को संविधान से नहीं चलने देना चाहते हैं, कानून से नहीं चलने देना चाहते हैं। किसने नहीं देखा कि बूथ लोटा गया? कोई सियासत नहीं है किसी स्टेटस को लेकर के। ये जो लोग सियासत करना चाहते हैं
वो शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं करना चाहते। हमारी उनकी कोई तैयारी नहीं है, इस बार जनता उनको हराने जा रही है। जनता ने तैयारी कर ली है कि जिस तरीके से उन्होंने कुदरी है वो वोट की लूट जनता कभी लोकतंत्र में स्वीकार नहीं कर सकती है। जो एक विधानसभा बची है उसमें किस तरह के नाम लग रहे हैं आप? उसमें मैं तो कहूंगा अलीगढ़ के पूरे मीडिया के लोग, आपके माध्यम से पूरे देश के मीडिया के लोग और दुनिया के मीडिया के लोग आए कि कितना अच्छा लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पर है, कि कितनी आज़ादी के साथ लोगों को वोट डालने का मौका मिलता है। और आप लोग आइए, कम से कम देखिए कि लोकतंत्र हमारा कितना स्वस्थ है, और अयोध्या का चुनाव जरूर देखने आइए। योगी आदित्यनाथ 2027 की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं 2027 में निकलेंगे, 2027 की बात कर रहे हैं, 2027 जीतेंगे। ये जो बेईमानी की है, लूट की है, वोट की, वो केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए की है।